हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृति जैन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद सीए जागृति। आज हम स्टूडेंट्स के माइंड में रहने वाले एक मेजर क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि दीदी, 12th तक हमारा हिंदी मीडियम था, फाउंडेशन तक हमारा हिंदी मीडियम था, सीए फाउंडेशन तक, एंड अब हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम चूज़ करें, हमें करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना बताना चाहूँगी, मेरा 12th तक एंड टिल सीपीटी तक मेरा एक हमारे टाइम पे सीए फाउंडेशन नहीं सीपीटी हुआ करता था, तो तब तक मेरा हिंदी मीडियम था। सीए इंटर में मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया, तो देखो सीए बन गई हो तो देखो आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं ना तो हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपका एडिशनल एफर्ट लगेगा और एफर्ट तो आपको ही को करना रहेगा। तो फाउंडेशन में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लो सब्जेक्ट को बेस्ट बनाएं और डेली डिसाइड कर ले कि लो के 5 क्वेश्चंस आप खुद से लिखेंगे। जी हाँ, कोई भी टॉपिक आपने रीड कर लिया, स्टडी कर लिया है, अब आप खुद से उसका आंसर लिखने का ट्राई करें। अगर खुद से नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई नहीं, देख के लिखे, 4-5 दिन की ये प्रैक्टिस रहेगी, फिर आप खुद से लिख लेंगे इजीली और हो जाएगा। मेरी सेकेंड एडवाइस ये रहेगी कि अब जो एग्ज़ाम का पीरियड है और आपकी तैयारी का पीरियड है, उसमें ना जो भी आप चीज़ सोचते हैं या बोलते हैं ना, थोड़ा इंग्लिश में बोलने का ट्राई करें। बोलने की तैयारी कर रहे हैं, लिखने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प रहेगी और इजीली आप एग्ज़ाम में आंसर लिख लेंगे। तो टेंशन मत लो यार, जल्दी से अगर आप लेना चाहते हो इंग्लिश मीडियम तो चूज़ करो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में जब आप इंटरव्यूज़ देंगे या फिर जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो ये हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम हम मानते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हमारे इंडिया में इंग्लिश को जॉब टाइम पर थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है और हम भी क्या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मेरा भी 12th तक हिंदी मीडियम था तो मैं समझ सकती हूँ।